हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 क्रूजर बाइक के पांच बेस्ट चीजें जो कि आप सभी को जरूर जानना चाहिए। और अगर आप लोग इस बाइक को लेने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो सुपर मीटियोर 650 में हमें दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, पहला क्लासिक और दूसरा ग्रैंड टूरर। तो बात करते हैं पहली चीज जो कि है इसकी लुकिंग और डिजाइन। यह क्रूजर बाइक हमें क्लासिक रेट्रो लुक में देखने को मिल रही है और डेफिनेटली राइडिंग के दौरान रॉयल और प्रीमियम फील प्रोवाइड करेगी। और इस बाइक की डिजाइन भी हमें काफी सही देखने को मिल रही है और यह लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगी। और इस क्रूजर बाइक में हमें 15.7 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाएगा, स्कल्प्टेड राइडर सीट्स और 16 इंच का चंकी रियर व्हील ऑफर किया गया है। तो इन सभी चीजों के साथ यह बाइक हमें मस्कुलर प्रोफाइल में भी देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज है इस क्रूजर बाइक के इंजन और गियर बॉक्स। इस बाइक में हमें 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन ऑफर किया गया है। यह इंजन जनरेट करता है 47 BHP का पावर और 52 Nm का टॉर्क। और रॉयल एनफील्ड कंपनी ने यही सेम इंजन यूज किया था इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT 650 बाइक में। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और परफॉर्मेंस की बात करें तो सुपर मीटियोर 650 क्रूजर बाइक में हमें 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स ऑफर किया जाएगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ रोडिंग ट्रैवलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और साथ ही इस बाइक में लार्ज 15.7 लीटर का फ्यूल टैंक भी ऑफर किया गया है, तो ऑफ रोडिंग में फ्यूल की भी ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। और तीसरी चीज है इस बाइक के चेसिस, सस्पेंशन ड्यूटी और ब्रेकिंग ड्यूटी। सुपर मीटियोर 650 क्रूजर बाइक बेस्ड ऑन है 650 सीसी के प्लेटफॉर्म पर और इसमें न्यू स्टील ट्यूबलर स्पिन फ्रेम का यूज किया गया है। तो डेफिनेटली यह एक पावरफुल और स्ट्रांग बाइक होने वाली है। और बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग ड्यूटी की, और इस क्रूजर बाइक की ब्रेकिंग ड्यूटी हैंडल की गई है डिस्क ब्रेक के द्वारा। इसके फ्रंट व्हील में 220 mm का डिस्क ब्रेक और रियर व्हील में 300 mm का डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है। और यह डिस्क ब्रेक आते हैं डुअल चैनल ABS सिस्टम के साथ। और सस्पेंशन ड्यूटी की बात करें तो सस्पेंशन ड्यूटी हैंडल की गई है फ्रंट सेक्शन में 120 mm के अपसाइड डाउन फॉर्क सस्पेंशन के द्वारा और रियर सेक्शन में 101 mm का ट्रैवल ट्विन शॉक एब्जर्वर सस्पेंशन के द्वारा। तो बेस्ट सस्पेंशन का यूज किया गया है जो कि हमें ऑफ रोडिंग और हाई स्पीड ब्रेकिंग के दौरान बेटर हैंडलिंग और स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। सुपर मीटियोर 650 बाइक में हमें एलॉय व्हील्स ऑफर किया गया है और उसके साथ ही ट्यूबलेस टायर भी देखने को मिलेंगे। और चौथा चीज है इस बाइक के फीचर्स। वैसे यह एक न्यू फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है जिसमें काफी सारे फीचर्स भी ऑफर किया जाएगा, जैसे कि इस बाइक में हमें एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा और उसके साथ ही ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम भी ऑफर किया जाएगा। बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट सेक्शन की, तो इसके फ्रंट सेक्शन में हमें ऑल LED लाइटिंग देखने को मिल रही है और यह बाइक हमें क्लासिक रेट्रो लुक में देखने को मिल रही है। तो इसमें राउंड शेप हेडलैम्प, सिग्नल टर्न इंडिकेटर्स और राउंड शेप रियर व्यू मिरर्स भी देखने को मिल रहा है। और इस बाइक के बैक साइड में हमें राउंड शेप LED टेल लाइट भी ऑफर की गई है, साथ ही टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं नेम प्लेट के साइड में और डुअल चैनल ABS सिस्टम और भी काफी सारे बेसिक फीचर्स ऑफर किया गया है। और पांचवी चीज है इस बाइक की प्राइसिंग और कंपटीशन। सुपर मीटियोर 650 बाइक की प्राइसिंग है लगभग 3,35,000 रुपए और यह बाइक कम्पीट करेगी रॉयल एनफील्ड कंपनी की ही ओल्ड मॉडल इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT 650 से। और इस बाइक की जो लुकिंग और डिजाइन है बहुत प्यारी है जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो आपको यह बाइक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।